बोल बात संघर्ष किए तुमको लिट्टी चोखा मिला, संघर्ष किए मेहनत किए तो लिट्टी चोखा खाने के लिए मिला, और उसके बाद जब पेट में अनाज गई तो आशिकी आई, जब पेट में आने ना रही तो मोहब्बत समझ में आई। अब ये पूछ रहे हैं कि बोल राधा बोल, अब क्या राधा को, अब राधा की इच्छा देखिए आशिकी आशिक हो गई, मोहब्बत हो गई, अब ये राधा से बोल रहे हैं कि तेरे लिए क्या कर दूं बता राधा। अरे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझको फिल्म बनाने का उत्प्रेरित करने वाला यही आदमी है भैया, आप प्रोड्यूसर बनो, आपको हक है। चार महीना खोदते हुए बनाते हैं मैंने यार मार्केटिंग करने तो कर, लोग कहेंगे कि निर्माता बन गया फिर काम करवाएगा, मैंने क्या चाहते हैं कि प्रोड्यूसर के पास इनका भी नौकरी चला जाए। प्रोड्यूसर तो सोचेंगे नहीं, सबसे बड़ा विलन तो पर आ गया यार, कि इसी ने आदमी इस आदमी को दिखा रहे थे मार्केटिंग कर रहे थे कहां पे, मतलब हम लोगों को कंपटीटर बना दिया। तो भाई पराग ने और खेसारी लाल ने एक मार्केटिंग करने वाले आदमी को मालिक बनाया, तो आप इस काबिल हो तो बना, और ये भी इस काबिल है कि नहीं भैया करिए हम एक रुपया लिए बोले नहीं लिए, ये भी डायरेक्टर होकर मेहनत करते तो ये सबका सहयोग से ही आ गया। रहा बताओ आपसे, भगवान पर चढ़ने वाला फूल वैष्णो देवी के मंदिर से नहीं आता है, वो किसी खेत से ही आता है, वो किसी बगान से ही आता है, और वो जमीन पर रहता है। तो जीवन में भगवान को भी उस जमीन की जरूरत होती है। खेसारी को दुनिया भगवान मान ले या खेसारी को बहुत बड़ा स्टार मान ले, लेकिन बनाने वाले वो जमीन के लोग ही है। इस पर चढ़ने वाला श्रद्धा का फूल या मोहब्बत की फूल उस जमीन से ही आती है। चाहे मैं अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना बोल दूं कि आई एम किंग, आई एम मी, आई एम हा हा दुनिया जहान फालतू कुछ, ये सब कहने की बातें हैं, जमीन के ही लोग आपको बड़ा बनाते हैं। इसीलिए अगर उस जमीन कभी जरूरत पड़े उस जमीन के लोगों के लिए तो आप खड़े हो जाइए, यही तो इंसानियत है, इससे बड़ा इंसानियत क्या है। नहीं तो एक मराठी आदमी होकर आज भोजपुरी का सबसे बड़ा डायरेक्टर है ये दोनों जितनी फिल्में मेरे साथ की अभी तक, मुझे लगता है कि 3 साल से इनसे ज्यादा कोई सिनेमा नहीं चली। एक बिल्कुल सभी, और सारे सिनेमा स्टाइल अलग, कहानी अलग किया है ये लगातार 3 सुपरहिट। हाँ, 3 किया और 3 साल से कभी नोटबंदी है तो कभी कोरोना है तो कभी कई भी लहर लहर चल रहा है। चौथी के बारे में तो अभी देखिए बोल रहा था बोल, अब इसके बाद ताजमहल बनाएंगे डायरेक्ट। राधा ने बोला कि ताजमहल बना दे भाई, तो बनाएंगे ताजमहल। बोल रहा था बोल के लिए इतना ही कहूंगा कि दर्शकों ने खेसारी जी के और मेरे जोड़ी को हमेशा से पसंद किया, वो संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो। आशिकी एक मील का पत्थर फिल्म बन चुकी है। इंसानों से तो बहुत प्यार किया मैंने, इस बार बकरी से प्यार कर रहा हूँ। और बोल रहा था बोल को पिछली फिल्म मेरी और बेहतर और बड़ी कैसे कर रहा है। अभी तक तो इंसानों से मोहब्बत थी ना इंसान को, इंसान इंसान की मोहब्बत को भाषा को समझता है, लेकिन बकरी भाषा को नहीं समझती, और उसको अपने प्यार में पागल कैसे करता है, ये बोल राधा बोल है। जानवरों को भी हम इतनी से प्रेम करता हूँ तो बहुत सारे हीरोइनें नाराज हो गई थी। हाँ, हमसे प्यारी नहीं है, प्यार ही नहीं मैंने, और जितने हीरोइनें सब डॉगी रखी है, सब डॉगी से प्यार है, और मुझे अगर बकरी से प्यार हो गया तो पता नहीं क्यों इतराज भाई, क्यों इतराज हो गया भाई मुझे। अच्छा, इनको डॉगी से प्यार है, माँ को शैंपू नहीं देते हैं धोने के लिए, उसको डॉगी को धुलवाएंगी, ये मेरा टीवी है तो मेरे पीवी है तो दीवी है, नाम ऐसा ऐसा रखेंगे फालतू की, मतलब क्या, मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए जानवर भी हमारे जीवन के हिस्सा है, हमें सबसे प्यार करना चाहिए, जानवर इंसान हो या इंसान, यही तो दो चीज है, यही दो चीज है। तो सबको प्लीज डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्या करो रोड पे चलता हूँ कहीं ना कहीं खुरू तो लग ही जाता है। देखिए बोल राधा बोल एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है, एक नास्तिक इंसान है केसारी लाल यादव जो बिल्कुल पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है, तो एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है बोल राधा बोल, बस यही कहूँ। हम कभी कभी आस्था को भूल जाते हैं कि हमारे लिए आस्था मायने नहीं रखता, लेकिन जब मजबूरी होती है ना तो मुझे लगता है कि कोई इंसान को नहीं उस आस्था को याद करता है। यही हमारी बोल रहा था बोल है, यही हमारा प्रेम है, एक प्रेम की परिकाष्ठा है कि जो आदमी अपने मंदिर जाना पसंद नहीं करता है वो एक दिन सिचुएशन आता है कि उस मंदिर के दरवाजे पे झाड़ू तक लगाता है, यही हमारी प्रेम कथा है।
यही हमारी बोल रहा था बोल। भैया आपके लुक की बात की जाए, पराग जी हमेशा आपके हर फिल्म में लुक चेंज कर देते हैं, मुझे तो डर इस बात का है कि साहब लुक चेंज कर रहे हैं कि मुझे ना चेंज कर डर तो हमें इस बात की है कि इनके भी जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ लुक चेंज किए हैं, ये बचे हैं, यही बचे हैं, देखिए कब चेंज करते हैं। नहीं, कहने का मतलब यही है कि संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, मैंने हमेशा अपने फिल्म क्या सीरीज है, लेकिन क्या सीरीज है, संघर्ष किया तो इंसान को लिट्टी चोखा मिल गया, जब पेट में अनाज गया तो आसकी आई, उसकी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ, बोल रहा था बोल क्या बना दू तेरे लिए। अलग लुक में देखेंगे, अभी जो केसारी जी आपके सामने नजर आ रहे हैं ये इनका लुक नहीं है बोल राधा बोल का, काम निकल रहा है बोल राधा बोल, प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है, प्रोड्यूसर को समझ में आया पहली बार बने है ना ये, इसीलिए हम लोग काम करते हैं, आप भी काम कर रहे हो। जो आसकी को लेकर जो अभी तक सिनेमा घर में नहीं देखे हैं, देखिए मैं चाहता हूँ कि जातिवाद का जहाँ तक सवाल है हमारे बिहार रूपी में थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक बार आसकी देखिएगा तो पता चलेगा कि हमारी जाति हमारा विचारधारा ही होना चाहिए, और हमारी विचारधारा में जाति होती है, मुझे लगता है कि इंसान की कोई जात नहीं होती है, जात तो अढ़ाई होते हैं, एक मर्द, एक औरत, और एक हमारे जो बीच के होते हैं हमारे किन्नर समाज के लोग, तो जात तो अढ़ाई ही है, हम आपस में बांट लेते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, और मोहब्बत की कोई जात नहीं होती है, और शिक्षा की कोई जात नहीं होती है, और इसी शिक्षा और मोहब्बत से अजीब बताइए, जब हम इलाज कराने जाते हैं तो ये कभी पूछ के नहीं जाते हैं कि किस जाति का ये हॉस्पिटल है और किस जाति का वो डॉक्टर है हमारे लिए इलाज, जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस पंडित से ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति के इंसान हो जो हमें प्रसाद दे रहे हो, तो हमें कहने का मतलब कि आप अपने दुनिया को भाषा से मत बदलिए, उसको अपने भाषा में ला दीजिए, मीठा भाषा में ला दीजिए, मुझे लगता है कि हर आदमी आपका अपना है और हर लोग सक्रिय है, तो वो आपको देखने को मिलेगा आशिकी में, और आशिकी में जो कमाल का काम, जो कमाल का एक्ट हमारी अमरपाली जी ने किया है, माइंड ब्लोइंग, मैं हमेशा उनको सर्वोपरि मानता हूँ, मानता रहूंगा, क्योंकि जब भी उनके साथ काम करता हूँ तो बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करके हम लोग काम करते हैं, और वो चीजों को समझती भी, वो मुझे भी बताती हैं जो चीजें उनको समझ में नहीं आते हैं, हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं और मजा आता है, और उसी नैना के करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो रियल बेस पे कहानी है, और मैं सबको चाहूंगा कि एक बार उस माँ बाप को भी वास्की देखनी चाहिए और उस बच्चों को भी वास्की देखनी चाहिए कि हमें डिफरेंस, हमारे लिए माँ बाप कितना सक्रिय है, और हम चाहें तो माँ बाप के मन को भी बदल सकते हैं, बशर्ते वो नफरत से नहीं, उसके लिए मोहब्बत की जरूरत होगी।